देश के युवाओं में इन दिनों रील्स और सोशल मीडिया क्रेज खूब देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हर कोई अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर वायरल होना चाहता है, लेकिन कभी कभी लोग वायरल होने के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर में हम बार बार रील्स और सोशल मीडिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो दरअसल ये पूरी खबर रील्स और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, जहाँ कुछ युवकों ने वायरल होने के लिए कुछ ऐसा किया कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी दो वीडियो दिख रहे होंगे, एक जिसमें कुछ युवक कार को बैलगाड़ी बनाकर बीच सड़क पर स्टंट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में कुछ युवक घायल अवस्था में सड़कों पर घूमते नजर आ रहे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये रियल है तो ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये एक रील है जो व्यूज और वायरल होने के लिए बनाई गई है। पहला वीडियो उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर का है, जिसमें 10 से 15 लड़के वायरल होने के लिए एक कार के ऊपर बैठकर बीच सड़क पर स्टंट कर रहे हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल होने पर पुलिस भी हरकत में आई और आनन फानन में पुलिस ने इस मामले में 5 नामजद और 15 अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मौके से कार सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही पुलिस अन्य युवकों की तलाश में जुट गई है। मुजफ्फरनगर सामली हाईवे पर जागा हेड़ी टोल प्लाजा, जो थाना किताबी के अंतर्गत पड़ता है, उसके समीप एक नई सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी से 10-15 लड़के स्टंटबाजी कर रहे थे। उसकी छत पर और बोनर पर बैठे हुए थे और टोल प्लाजा के आसपास चक्कर काट रहे थे। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने जब ऐसा करने से उनको रोका तो उनके साथ गली गलौज और स्पेयर किया, एक ट्रक वाले को से मारपीट करी। सूचना पुलिस को मिली, टोल प्लाजा के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, प्रभारी निरीक्षक मल फोर्स के मौके पर पहुंचे, फिर गाड़ी छोड़कर लड़के भाग गए। एक आरजू शनाब सुशील नाम का लड़का मौके से पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। इसमें 5 नामजद और 15 अज्ञात के विरुद्ध प्रबंधक आशीष राय की तहरीर पर, टोल प्लाजा के प्रबंधक की तहरीर पर 5 नामजद और 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहीं बात करें अगर दूसरे वीडियो की, तो दूसरा वीडियो भी उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर का है, जहां 6 युवकों ने सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए एक रील बनाई, जिसमें युवक अपने मुंह पर लाल रंग से सनी पट्टी बांधकर हाथों में डंडे लेकर बाजार में घूमकर रील बना रहे थे। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने उनकी सूचना पुलिस को दे दी, फिर क्या था, पुलिस तुरंत एक्शन में आई और सभी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये थाना डिबई क्षेत्र के कस्बा डिबई में कुछ युवकों के द्वारा ये अपने हाथ में बैंडेज बांधकर लाल रंग का, जिसमें ऐसा प्रदर्शित हो कि वो ब्लड है, और हाथ में और बॉडी में बांधकर हाथ में डंडा लेकर कस्बे में ये लोग घूम घूम कर रील बना रहे थे, जिससे जनता में थोड़ा सा घबराहट का माहौल पैदा हुआ था। इस पर पुलिस द्वारा मौके पर सूचना मिलने पर पहुंचकर इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की गई है। तो देखा आपने इन युवकों को रील बनाना कितना महंगा पड़ गया। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद लोग इस तरह की आपत्तिजनक और खतरनाक रील बना रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा और मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।